तेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये कहा था जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए आज भी साहित्य प्रेमियों के हृदय में विराजमान है महाप्राण निराला, जिजीविषा की साकार मूर्ति, हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वीणा वादिनी के प्रिय पुत्र निराला 1896 में बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर में जन्मे थे। हाई स्कूल तक औपचारिक शिक्षा हुई, फिर स्वयं ही हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन किया। 3 वर्ष के थे तब मां की ममता छिन गई। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते पिता का भी साया उठ गया। संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए वो किन विषम परिस्थितियों से गुजरे होंगे, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती है। अनुवाद, प्रूफ रीडिंग से लेकर संपादन तक सब कुछ किया, लेकिन अंधकार से हारे नहीं। उनकी रचनाएं भी अंधेरे में खोती नहीं। कौन तम के पार, अखिल पल के स्रोत जल चक, गगन घन घन धार रे कहे, गंध व्याकुल कूल उर सर, लहर कच कर कमल मुख पर, हर्ष अलि हर स्पर्श शर सर, गूंज बारंबार, कौन तम के पार। वेदना सहते निराला अंधकार को प्रकाश से तार तार कर देते हैं। तम के अमार्ज रे तार तार, जो उन पर पड़ी प्रकाश धार। निराला जी पर धर्मवीर भारती ने एक संस्मरण में लिखा था, भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा लेकर आए थे, निराला अपनी उत्तर पीढ़ी के लिए। वाकई उनकी रचनाओं की गंगधार से हिंदी साहित्य सदैव समृद्ध सरस सरल रहा। निराला का साहित्य प्रकाश के प्रति दृढ़ आस्था का साहित्य है। उनकी दृष्टि में सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म के बीच होने वाला संघर्ष शाश्वत है। दुख ही जीवन की कथा रही, ये कहने के बाद भी वो दुख से आक्रांत नहीं होते। कहते हैं 1923 में जब कलकत्ता से मतवाला का प्रकाशन हुआ तो उसके कवर पेज के लिए उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी। अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये मतवाला। ग्रीक देवता सा डेलडॉल और हृदय इतना विशाल कि कड़कड़ाती ठंड में रास्ते में बैठे एक भिखारी को कपकपाते देख अपनी ऊनी शॉल उसे उड़ा दी और खुद सूती धोती बदन पर लपेटे घर लौट आए। कवयित्री महादेवी वर्मा उन्हें राखी बांधती थी। निराला जी की निर्बाध उदारता की आलोचना करने पर जब उन्होंने बहन को व्यवस्थित रहने का वचन दिया तब कहीं से उन्हें 300 रुपए मिले, जो उन्होंने तुरंत लाकर महादेवी जी के पास जमा करा दिए और उन्हें बजट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अगले ही दिन सवेरे आ पहुंचे। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करवाना था, 50 रुपए की जरूरत थी। संध्या होते होते किसी मित्र को 60 रुपयों की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपए मनी ऑर्डर करने पड़े। दोपहर तक किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए देना अनिवार्य हो गया। कुल मिलाकर वो 300 रुपए बिना निराला जी पर खर्च हुए खत्म हो गए। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उसमें उनकी पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई और भाभी का देहांत हो गया। कोलकाता में रहते हुए वहां से प्रकाशित समन्वय और मतवाला का संपादन किया। फिर 1935 से लेकर 1940 तक कुछ समय लखनऊ में रहे, जहां गंगा पुस्तकमाला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई थी। उनकी रचनाओं में कहीं प्रेम की सघनता है, कहीं आध्यात्मिकता तो कहीं विपन्नों के प्रति सहानुभूति और संवेदना, कहीं देश प्रेम का जज्बा तो कहीं सामाजिक रूढ़ियों का विरोध और कहीं प्रकृति के प्रति झलकता अनुराग। इलाहाबाद में पत्थर तोड़ती महिला पर लिखी उनकी कविता आज भी सामाजिक यथार्थ का एक आईना है। उनका जोर वक्तव्य पर नहीं वरन चित्रण पर था। सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती महिला का रेखांकन उनकी काव्य चेतना की सर्वोच्चता को दर्शाता है। वो तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर। इसी प्रकार राह चलते भिखारी पर उन्होंने लिखा, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। राम की शक्ति पूजा के माध्यम से निराला ने राम को समाज में एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। वो लिखते हैं, होगी जय होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। 100 पदों में लिखी गई तुलसीदास निराला की सबसे बड़ी कविता है। इस प्रबंध काव्य में
निराला ने पत्नी के युवा तन मन के आकर्षण में मोहग्रस्त तुलसीदास के महाकवि बनने को बखूबी दर्शाया है। जागा जागा संस्कार प्रबल, रे गया काम तत्क्षण वह जल, देखा वामा वह न थी अनल प्रतिमा वह, इस ओर ज्ञान उस ओर ज्ञान, हो गया भस्म वह प्रथम भान, छूटा जग का जो रहा ध्यान। निराला की जूही की कली कविता आज भी लोगों के जहन में बसी है। इस कविता में निराला ने अपनी अभिव्यक्ति को छंदों की सीमा से परे छंद विहीन कविता की ओर प्रवाहित किया है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली, दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। निराला के काव्य में आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, रहस्यवाद और जीवन के कूड़ पक्षों की झलक मिलती है। 1942 में वो इलाहाबाद आकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद करते रहे। वहीं दारागंज मोहल्ले के एक कमरे के घर में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अंतिम सांस ली। साहित्य का ये महायोगी पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन हिंदी साहित्य को समृद्ध करता उनका स्वर आज भी गूंज रहा है। प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, उर उर के हीरो के हार, गूंथे हुए प्राणियों को भी गुथे न कभी सदा ही सार। निराला आज भी हमारे बीच जीवंत हैं। मुक्ति की उत्कट आकांक्षा उनको सदैव बेचैन करती रही। तभी तो उन्होंने लिखा, तोड़ो 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 कारा पत्थर की, निकलो फिर गंगा जलधारा, ग्रह ग्रह की पार्वती पुनः सत्य सुंदर शिव को सवार दी, उर उर की बनो आरती भ्रांतों की निश्चल ध्रुव तारा, तोड़ो 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 कारा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए वाइटिंग एंटरटेनमेंट।